जी जनाब, तो जनाब हम इस कोर्स में आगे जाकर आईओटी की क्या क्या एस्पेक्ट्स को यूज़ करेंगे। नंबर एक तो ये कि हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट इस्तेमाल करेंगे, एमसीयू। एमसीयू हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये इसके ऊपर हम बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करेंगे। अब ये बेयर मेटल प्रोग्रामिंग जो है ना, एक खास टर्म है। एक होता है कि आप किसी डिवाइस पे पूरा ओएस इंस्टॉल करें, जैसे आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, और देन उस ओएस के ऊपर अपना प्रोग्राम चलाएं और फिर वो प्रोग्राम आपके काम करें। और एक तरीका होता है, अब उसमें देखिए ना, प्रोसेसिंग ओवरहेड आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे ना, अब आपने ये जूम का सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया है, उससे पहले आपने पूरा एंड्रॉयड या पूरा विंडोज अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। अब वो भी चल रहा है, वो अपनी रिसोर्सेज ले रहा है। अगर आपकी 4 GB रैम है, तो उसमें से 2 GB तो एंड्रॉयड ने या फॉर एग्जाम्पल विंडोज ने संभाली हुई होगी। देन आपके पास 2 GB रैम बची, जिसके अंदर अब आपका सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, सही है। अगर उसकी जगह आप जूम को इस काबिल बना दें कि आप बजाय विंडो इंस्टॉल करने के, डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के ऊपर जूम ही इंस्टॉल कर लें, और जब भी आप कंप्यूटर चलाएं तो जूम स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपका काम ही सिर्फ मीटिंग करना है ये सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो अब आप क्या होगा कि अब आपको 4 के 4 GB ऑफ द रैम जो है वो अब जूम को मिल रही होगी, ठीक है। अब आपके रिसोर्सेज आया नहीं हो रहे। तो सेम इज अवे विद दिस कि हम बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करते हैं। हम कोई बजाय उसके ऊपर कोई रसबरी पाई हो ऐसी, इस तरह की कोई एम्बेडेड लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करें या विंडोज 10 एम्बेडेड एडिशन इंस्टॉल करें, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं रस्ट वस्ट के अंदर, सी के अंदर, और उसको डायरेक्ट उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं। जो ही आप माइक्रो कंट्रोलर को पावर देते हैं, वो आपका प्रोग्राम चलाना शुरू कर देता है। जो ही पावर निकालते हैं, बंद हो जाता है। इसको कहते हैं बेयर मेटल प्रोग्रामिंग, कि आप प्रोग्राम लिखें और वो बजाय इसके कि पहले ओएस इंस्टॉल हो, देन उसके ऊपर प्रोग्राम रन हो, डायरेक्ट वो प्रोग्राम ही जो है ना माइक्रो कंट्रोलर के स्टार्ट होते साथ ही रन होना शुरू होता है। इसको हम वो करेंगे। फिर हम, जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि हम हमारे एज और गेटवे डिवाइसेस होती हैं, एज कंप्यूटिंग हो रही होती है, उसके लिए हम रस्ट और जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, नोड जेएस को और वेब असेंबली को। इसके अलावा हम माइक्रो सर्विसेज लिखेंगे यूजिंग कर्नल के तौर पे लिनक्स, फिर डॉकर, फिर कुबर नोड, फिर एमक्यूटीटी, ये कोई मैसेज प्रोटोकॉल वगैरह के फॉर्मेट है, क्यूब एच, ये सब यूज करते हुए हम एज और गेटवे को कंट्रोल करेंगे। तो जिसने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, जिसने डिवाइसेस से, आईओटी डिवाइसेस से, एमसीयू तो होंगे ना आपकी आईओटी डिवाइसेस, इसमें सेंसर्स लगे होंगे। फिर आगे एज और गेटवे जो डिवाइसेस हैं, उसके ऊपर हम ये सारे मामलात को इस्तेमाल करते हुए वो डिवाइसेस कन्फिगर करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और देन फिर क्लाउड के ऊपर हम रेस्ट, जावास्क्रिप्ट, वेब असेंबली, माइक्रो सर्विसेज, यूबंटू, डॉकर, कुबरनेटिस और सर्वरलेस एंड काफ्का वगैरह को इस्तेमाल करते हुए फिर क्लाउड वाले एस्पेक्ट पे देखेंगे। तो हमने तीनों एस्पेक्ट इस कोर्स में स्टडी करने हैं, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग, आईओटी डिवाइस की, देन फिर एज और गेटवे की क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन और सारी मैनेजमेंट की, वो डाटा कैसे भिजवा रहा है, सेंसर से कैसे ले रहा है, आईओटी डिवाइसेस से कैसे ले रहा है, और आगे कैसे भिजवा रहा है, और अगर आप उसमें एज कंप्यूटिंग कुछ करनी है तो वो कैसे कर रहे हैं, और देन एट द एंड क्लाउड साइड की प्रोग्रामिंग की, क्लाउड के ऊपर जो डाटा रिसीविंग एंड है आईओटी डिवाइसेस से थ्रू गेटवे, उसके ऊपर हम कैसे डेटा को हैंडल करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे उसके रिजल्ट निकालेंगे, कैसे वो एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए हम लोगों की खुशकिस्मती है कि रस्ट चूज की गई है, जो इस वक्त किंग ऑफ द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज, वो सी और सी प्लस प्लस, नो डाउट सी है, क्योंकि पिछले 40 साल से इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसका अच्छा खासा सोर्स कोड अवेलेबल है, इसकी अच्छी खासी हेल्प अवेलेबल है, इसके ऊपर एक्सपर्टीज लोगों की डेवलप हुई है, बट इसके साथ इसमें हेल ऑफ इश्यूज भी हैं। आप देखें जो ग्राफ है, इसके अंदर परफॉर्मेंस और सेफ्टी का ये ग्राफ है, कंपैरिजन शो कर रहा है। तो सी और सी प्लस प्लस को देखिए, परफॉर्मेंस में टॉप पे गई हुई है सारी लैंग्वेजेस से, लेकिन सेफ्टी में ये बिल्कुल 0 है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग एंड के ऊपर है, इनके अंदर बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। इनको, इनके प्रोग्राम को बड़े आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर डेवलपर ने सिक्योर कोडिंग के रूल्स का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, हैक हो सकता है, और हैक होने की वजह से आपका पूरा सिस्टम भी हैक हो सकता है, ठीक। फिर गो, जावा और ML जो हैं, मशीन लर्निंग, ये थोड़ी सी मिडल में आती हैं। इनकी सेफ्टी भी काफ़ी बेहतर है सी से, लेकिन कंट्रोल और परफॉर्मेंस इनकी सी से आती है। फिर आती है हेस्कल लैंग्वेज। हेस्कल जनाब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे पहुंची हुई है तकरीबन, लेकिन परफॉर्मेंस में बिल्कुल नेल है, ठीक है, बहुत स्लो परफॉर्म करती है।
लेकिन रस्ट जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये दोनों खूबियां, यकनशुद्ध दोशुद्ध वाली, इसकी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास है, सी की करीब करीब परफॉर्मेंस ए रही होती है, और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में ये हैस्कल के पाए की है, ठीक है। तो यही वजह है इसकी कामयाबी की कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब इसको इसकी तरफ मोल्ड होने का सोच रही हैं। पिछले दिनों में पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला जो उन्होंने ट्राई की है अपने विंडोज के सोर्स कोड के कुछ एरियाज को रस्ट में कन्वर्ट करने की, ठीक है, सी से, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज में बहुत ज्यादा फ्लॉज आ रहे होते हैं, वल्नरेबिलिटीज आ रही होती हैं, वॉल्व हो रही होती हैं, और देन उसको यूज करते हुए लोग सिस्टम्स हैक कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार अब सी में तो है ही इशू बिल्ट इन, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वाई नॉट वी स्टार्ट द प्रोग्रामिंग ऑफ द विंडोज कर्नल इन रस्ट ना। उन्होंने जो मॉड्यूल रस्ट के ऊपर इनिशियली टेस्टिंग के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश की उसमें उन्हें खातिर खवाह कामयाबी मिली, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया अभी पिछले वीक में शायद। तो जनाब रस्ट परफॉर्मेंस वाइज भी टॉप पे है और ये ऑलमोस्ट टॉप पे है, और सेफ्टी वाइज भी ऑलमोस्ट टॉप पे है, दोनों हवालों से ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन साबित होगी। और जिस तरह की आने वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां रस्ट पे काम शुरू कर रही हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में एम्बेडेड प्रोग्रामिंग एंड आईओटी की दुनिया में उम्मीद यही की जा रही है कि रस्ट का नाम ही होगा हर तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा हमने मूव कराना है फ्रॉम डिवाइस टू आईओटी डिवाइस टू गेटवे, एंड देन गेटवे टू आपके क्लाउड, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज करेंगे, एमक्यूटीटी, काफका वगैरह, ठीक है। एमक्यूटीटी क्या है? MQTT एक पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कि IoT एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है। एक उसका फुटप्रिंट बड़ा छोटा है, फुटप्रिंट से मुराद ये उसका कोड है जो आप ऐड करेंगे कम्युनिकेशन दोनों साइड के ऊपर, IoT डिवाइस पे और गेटवे के ऊपर, वो बड़ा छोटा सा है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ओवरहेड आएगा, थोड़ा सा कोड, थोड़ी सी लाइन, थोड़ा सा बर्डन आपके प्रोसेसर जो माइक्रो कंट्रोलर उस पर पड़ेगा और इधर गेटवे वाली साइड पर पड़ेगा, और ये आपका पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये बड़ा फायदा है कि इसके अंदर ये जो रियल टाइम गारंटीज, ठीक है, हाई लेटेंसी, लो थ्रूपुट, यानी कि जब आपका अनरिलायबल नेटवर्क होता है, जब आपके नेटवर्क में इशू होते हैं, उसके अंदर कोई पैकेट लॉस वगैरह कोई MQTT है ना बड़े जबरदस्त तरीके से हैंडल करता है। तो आपके कम से कम जो मैसेजेस हैं जो सेंसर से आगे जा रहे हैं गेटवे को, गेटवे से आगे जा रहे हैं, ये लॉस होने को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, लॉस नहीं होने देता, ठीक है। अच्छा, और काफका जो है वो क्या कर रहा होता है, वो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स क्या होंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपके सेंसर हैं मुसलसल डेटा को जनरेट कर रहे हैं, तो उस डेटा को लेना एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोटोकॉल के कन्वर्ट करना, उसको आगे भिजवाना, और भिजवाने के बाद रिसीविंग साइड पे रिसीव करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करना, अगर कोई इशू आ गया, एरर आ गया, कोई पैकेट करप्ट हो गया है तो उसको दोबारा से भिजवाना, ये सारी चीजें हैंड चेकिंग वगैरह, ये सारा का सारा काफ्का के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। और ये बनाया है अपाची वालों ने जो कि एक बड़ी रिनॉन्ड वेब सर्वर्स की कंपनी है। तो जो MQTT और काफ्का है ये दोनों हमारे इस यूज केसेस में बड़े जबरदस्त तरीके से फिट होते हैं, और इनको भी हम अपनी इसमें इस सेशन में जो अगले आने वाले सेशन है लाइक मे बी शायद सेमेस्टर 3 में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेमेस्टर 1 में रस्ट प्रोग्रामिंग सीखनी है, सेमेस्टर 2 में हमने रस्ट के अंदर IoT की प्रोग्रामिंग करनी है, सेमेस्टर 3 में जब हम जाएंगे ना अपने गेटवेज के ऊपर और एज कंप्यूटिंग करेंगे, एट दैट मोमेंट फिर हम इनका इस्तेमाल शुरू करेंगे। फिर ऑर्केस्ट्रेटर्स, भी ऑर्केस्ट्रेटर क्या मुसीबत है, ये है फॉर एग्जांपल आपके पास इसको 100 यूजर कनेक्टेड है या 100 IoT डिवाइस कनेक्टेड है, तो आपकी एक गेटवे लगा हुआ है जो उन 100 को हैंडल कर रहा है। अब 100 से 150 हो जाते हैं ना, तो एक उसको शायद हैंडल ना कर सके, तो आपको एक और इन करना पड़ेगा अपना गेटवे, तो दोनों के पास 75 75 हो जाएंगे, ठीक है। 150 का लोड होता है तो फिर आपका वो जो है गेटवे वो फारिग हो जाए। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं स्केलेबिलिटी के, कॉम्प्लेक्सिटी के,
उनको हैंडल करने के लिए फिर हम क्यूबरनेटिस वगैरह, फॉर एग्जांपल 1,000 सेंसर क्लाउड पे डेटा भिजवा रहे हैं, आपने एक सर्वर खड़ा किया हुआ है, अब आपके सेंसर बढ़ के 2,000 हो गए, एक सर्वर डाउन होना शुरू हो गया, उसकी वजह से ओवरलोड हो गए, तो क्यूबरनेटिस उस तरह की यूज करते हुए आप फौरी रन टाइम पे सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और सर्वर खड़ा कर लेंगे विद इन मिनट्स या सेकेंड्स, और वो अब क्या करेगा कि वो आधा लोड अब वो सर्वर संभाल लेगा, और दोनों के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ सेंसर्स का डेटा जाना शुरू हो जाएगा, और दोनों उसको प्रोसेस करके एट द एंड यूजर को सिंगल यूनाइटेड रिजल्ट दे रहे होंगे। ठीक, तो क्यूबरनेटिस जो है ये टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे आइंदा आने वाले शायद थर्ड सेमेस्टर में और व्हाटएवर। उसके बाद हार्डवेयर, हमने कहा था माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर हमने STM32F3 इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक तो ये ARM प्रोसेसर है, ठीक है, और इसके अंदर बिगनर के लिए बड़ी अच्छी सपोर्ट भी अवेलेबल है, और सबसे मजे की बात यह है कि ये रस्ट को सपोर्ट करता है। अभी फिलहाल जो जितने भी मार्केट में अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर, वो सारे सी को सपोर्ट सभी कर रहे होते हैं, लेकिन रस्ट की सपोर्ट अभी थोड़ी लिमिटेड है, तो ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है ये रस्ट को सपोर्ट करता है, ये हमें यूज में होगा, बड़ा जबरदस्त रहेगा। इसके अंदर एक ख्याल रखना है, इसके अंदर दो मॉडल अवेलेबल है, पुराना मॉडल है ST Link V2 के साथ, ये तकरीबन मार्केट में शायद 3,800 से 4,000 रुपये का मिल रहा है आपको ट्रैवल पेंडिंग, ठीक है, ये मतलब कॉलेज रोड से ऐसा नहीं है। इसका लेटेस्ट वर्जन है ना वो है ST Link V2B। ये V2B में ना दो तीन ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं जो कि आगे जाके हमारे लिए बड़े मददगार साबित होंगे, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट वाला है ना ये थोड़ा महंगा है, तो ये जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर ये जगह कहीं से भी खरीदें ये छोटी ले लें कि ये जहां से भी आप ले रहे हैं ये ST Link V2B ऑप्शन के साथ हो। मैंने ST Link V2B कुछ लाहौर से मंगवाए हैं, और अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास ये 4500 के अवेलेबल हैं, ये 4325 के मुझे पड़े थे विद केबल, इसके साथ एक कम्युनिकेशन केबल भी आती है जिसके जिसका एक सिर आप अपने कंप्यूटर पर लगाते हैं, दूसरा इस तरह इस ये ऊपर बनी हुई जो दो पोर्ट्स नजर आ रही हैं इस पे कनेक्ट होता है, तो तकरीबन तो 125 रुपये की वो केबल है, और 4200 की मुझे पड़े थे कॉस्ट किए थे, बाकी इनके शिपिंग चार्जेस वगैरह मिला के, तो इनके मुझे 4325 की कॉस्ट पड़ी थी, तो ये मैंने ऑफर की भी थी कि किसी को भी लेने हो तो 4500 की मुझसे भी आपको मिल सकते हैं, ये अपने इसी मतलब सेशन के बाद आप अगर आप मुझे कॉल करके बता दें तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कहीं से भी ले लें इंटरनेट से मंगवा लें, वेरी वेरी गुड, लेकिन ये ख्याल जरूर रखिएगा कि ये V2B वाला जो वर्जन है ना इसकी आप कोशिश कीजिएगा ये आपको मिल जाए, बाकी जो V2 है सिंपल ये आपको कॉलेज रोड पे 3,800 3,900 में मिल जाएगा विद केबल लेके, शायद 3,900 या 4,000 का वो आपको दे देंगे, 125 की हेल्थ की केबल होती है। अच्छा, ये वही बात लिखी हुई है, इसका स्लाइड जो हमारी ऑफिशियल स्लाइड है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये था हमारा MCU लेवल, फिर तुम आगे फील्ड गेटवे एज कंप्यूटिंग पे जाएंगे तो वहां पे हम रसबेरी पाई का कोई मॉडल यूज करेंगे, तो चूंकि इसमें भी टाइम है, ये हमारे थर्ड सेमेस्टर की बातें हैं, क्योंकि शायद हमें अराउंड मई में जाके जरूरत पड़े आफ्टर ईद, तो इसलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसका लेटेस्ट वाला वर्जन तब तक हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसलिए फिलहाल ये हमें लेने की जरूरत नहीं है। रसबेरी पाई 3 का मॉडल शायद पाई 4 आ चुका है अमेरिका वगैरह में, तो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली मतलब तब तक शायद ये 6-8 महीने के अंदर अंदर ये आना शुरू हो जाए, तो इसलिए ये हमें यूज होगा जब हम फील्ड गेटवे की प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें मल्टीपल IoT डिवाइसेस से डेटा लेना है और आगे क्लाउड पे भिजवाना है, उसमें हम रसबेरी पाई का कोई वर्जन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, फिर आगे क्लाउड वगैरह के साथ कनेक्टिविटी के लिए हम Node.js रस्ट की वेब असम्बलीज वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद अब ये आखिरी चंद स्लाइड है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो IoT का फ्यूचर है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये आपने सेंस कर लिया डाटा, इसको स्टोर कर लिया, इसको मूव कर लिया, आगे नेट पे फेंक लिया, जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करवा के इसको प्रोसेस करवा के यूजर के सामने कुछ रिजल्ट लेना शुरू करेंगे तब तक ये कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा।
अब इतना ज़्यादा डेटा ये सेंसर जनरेट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये एप्लीकेशन जनरेट कर रही होती है, इसको ह्यूमन प्रोसेसिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। इसको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम इंटेलिजेंटली प्रोसेस करवाते हैं और फिर मीनिंगफुल रिजल्ट निकलवाते हैं और वो फिर एंड यूजर के सामने पेश करते हैं। तो डेटा का सिर्फ तभी फायदा होता है कि जब आप उसको यूटिलाइज करें, वरना डंप करके डेटा कलेक्ट करके डंप करते रहें, डंप कलेक्ट करके डंप करते रहें, तो वो खाम खा का एक बोझ है जो कि आप अपने सर्वर्स के ऊपर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पुराने ज़माने में जो एनालाइजिंग द डेटा और वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा के जो एल्गोरिदम या मेथड होते थे, वो रियल टाइम एप्लीकेशन में ना उतने ज़्यादा एफिशिएंट साबित नहीं होते। इसकी वजह से अपने थोड़ा सा ना एआई का टच भी लेना पड़ेगा, और इसके आखिरी सेमेस्टर में उन्होंने कुछ एआई के ऊपर भी तवज्जो नज़र करम की हुई है, और जिसको यूज़ करते हुए हम जो अपनी प्रोसेसिंग है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करेंगे और देन फिर हम अपने कलेक्टेड डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंटली प्रोसेस करवाएंगे और उससे रिजल्ट्स गैदर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आईओटी के अंदर ब्लॉकचेन को भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये प्रोग्राम मेरा तो सेट करने का मकसद ये था, मैंने चारों प्रोग्राम को कंपेयर किया था, और इस प्रोग्राम का फायदा ये था कि ना सिर्फ ये हमें आईओटी का टच दे रहा था, टच क्या बल्कि अच्छा खासा सिखा रहा था, बल्कि साथ साथ ये ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और क्लाउड कंप्यूटिंग, इन तीनों का भी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट इस प्रोग्राम में लेके चल रहा था। तो इस प्रोग्राम में आपको जो प्रॉपर ग्रिप मिलेगी वो तो मिलेगी आपके आईओटी प्रोग्रामिंग एंड इसके हवाले से ना, लेकिन साथ आईओटी के साथ साथ ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों का भी आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और फिर देन आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपको बेसिक्स तो आगे ही समझ, मजीद एडवांसमेंट के लिए आप मजीद रीडिंग करें तो आपको उसके ऊपर भी अबूर हासिल हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन को, जैसे हमने एआई का देखा कि एआई हम वहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस करवाएंगे और उस पर एक्शन एंड इवेंट डिजाइन करेंगे। तो ब्लॉकचेन कहाँ पे आएगा कि जहाँ पे हम फॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपका जो डेटा पास ऑन हो रहा है एक डिवाइस से आगे हैंड ओवर हो रहा है क्लाउड को, और क्लाउड से मतलब इवेंट्स की डेटा हैंड ओवर हो रहा है इधर, तो यहाँ पे फिर आप ब्लॉकचेन यूज करते हुए ये इंश्योर करेंगे कि जो डेटा आ रहा है या जा रहा है ये किसी ऑथराइज डिवाइस से ही आ रहा है ना, वो तो मिलीशियस डिवाइस तो नहीं हमारे इस आईओटी नेटवर्क में ऐड हो गई और वो फॉल्स डेटा दे के हमारा रुख मोड़ने की कोशिश कर रही हो। तो इस तरह की चीज़ों की हम वेरिफिकेशन और इंटेग्रिटी और इंश्योरेंस के लिए और ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आईओटी और ब्लॉकचेन जो है दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन ट्रैकिंग बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, वही वाली बात है, जो बिलियन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज हैं इनको ब्लॉकचेन की मदद से ऑथराइज भी करेंगे, ऑथेंटिकेट भी करेंगे कि यार ये वही वाली डिवाइस है ना, कोई और डिवाइस हो नहीं आगे मलिशियस, और इनेबल द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज डिवाइसेस। ये दोनों काम भी, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा या ट्रांजेक्शन और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन, इसको भी हम यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज या ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स हम मजीद बेहतर बनाएंगे। और इन एन आईओटी नेटवर्क द ब्लॉकचेन कैन कीप एन इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। जितनी भी आपने उसके अंदर स्मार्ट डिवाइसेस नेटवर्क में आई हैं गई हैं उन सब का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा होगा थ्रू इम्यूटेबल ब्लॉकचेन के जो लेजर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, ये भी अपने वक्त आने पे शायद चौथे सेमेस्टर में या पांचवें सेमेस्टर में हम ये जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी टच करेंगे। तो जनाब, ये सारी कहानी मिल मिला के ये बताती है कि आईओटी, क्लाउड, एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, ये है जनाब लुबे लुबा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इजरा का, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, अभी तकरीबन अपने मिडल में पहुंचने वाले हैं, फुल स्विंग के करीब है। और इन चारों पांचों टेक्नोलॉजीज को मिला के आइंदा आने वाले दिनों में राज होगा इंटरनेट ऑफ थिंग का। और ये ना सिर्फ ये कि हमारी लाइफ को आसान बना रही होंगी, बल्कि साथ साथ इनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस आ जाएगी कि अपने आप को भी खुद ही मेंटेन कर रही होंगी। देखिए ना, हम भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत पेश आती है तो हम फौरन पर नहा लेते हैं, सुबह उठते हैं, मुंह धो लेते हैं, अगर हम बीमार होने लगते हैं डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, मेडिकल की गोली वोली लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो हम अपना हिसाब किताब इस हिसाब से चला रहे होते हैं ना खुद से। ये डिवाइसेस भी देख रही होंगी कि हमारी करंट स्टेटस क्या आ रहा है,
हमारे अंदर कोई खराबी तो नहीं पैदा हो रही, कोई कंपोनेंट तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उसका सुराग लगाएंगे कि क्या गड़बड़ पैदा हो रही है, किस कंपोनेंट की वजह से हो रही है। फिर वो ऑनलाइन नेट के ऊपर आपको ऑर्डर भी कर देंगे आपके बिहाफ पे कि जी ये कंपोनेंट भेज दें, आपका क्रेडिट कार्ड यूज करते उसकी पेमेंट भी कर देंगे, और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये जो कंपोनेंट अब आपके पास अराइव हो गया है शिप होके, इसको मेरे ढकना खोलकर वो पुराने वाला कंपोनेंट निकाल के ये वाला इसके अंदर फिट इन कर दें ताकि मैं अपना काम जारी रखूं। तो ये इस लेवल की इंटेलिजेंस ऐड करने की कोशिश की जा रही है, और होपफुली इन नियर फ्यूचर हो भी जाएगी। ठीक है, तो जनाब ये है 135 नंबर स्लाइड हमारे यहाँ की, वैसे एक्चुअल में शायद 130 या इस तरह की होगी, जिसमें लिखा हुआ है लेट्स टेक एमसीक्यू कवरिंग दिस प्रेजेंटेशन। टोटल क्वेश्चन 46 है, टोटल टाइम 60 मिनट था। बहरहाल ये पुरानी जो प्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड की गई थी उसके टेक्स्ट हैं, करंट टेक्स्ट थोड़े से माइट बी डिफरेंट हों। तो जनाब अब वो मुकाम आ गया है जब हम चंद घंटे की दूरी पे हैं अपने इस पहले क्विज से। तो जनाब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको क्विज में बहुत बेहतर परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी मेहनतों को इस हवाले से कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने अभी तक मेहनत नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग अभी तक आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, मुझे आइडिया होता रहता है कब शब जो चल रही होती है हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो ढेरों दुआओं के साथ जी हम सेशन अभी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं ऑफिशियली, IoT वाला, 4IR वाला। और इसके अलावा हम ऑलरेडी जो रस्ट का अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है उसके ऊपर भी हम वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने चैनल का लिंक अपने वहाँ पे आपसे शेयर कर लिया था, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। फिलहाल उस पर कल तक की वीडियो अवेलेबल है, आज वाली वीडियो भी होपफुली कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा मैं। और कल क्विज के बाद परसों से ना मैं उसके बाद वो जो हमारी वो रिकॉर्डिंग है ना रस्ट वाली, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई इशू होता है तो आप उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और संडे के वाले दिन तो मुलाकात अच्छी खासी हो ही रही होती है, और इवन आफ्टर क्लास के हम बेसमेंट में जाके वहाँ पे भी अगर किसी को क्यूरी कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो आपके लिए पूरी पूरी हेल्प अवेलेबल है, आप लोग भी प्लीज़ यही वाला जज्बा लेके, और जो आपके आसपास वाले दोस्त यार हैं जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं या सहेलियाँ हैं वो इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में, उनको अगर कोई इशू इशू फेस हो रहा है और आपको आता है तो आप भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें और उनकी हेल्प करें, ताकि हमारा टारगेट वही हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम यानी कि यहाँ से जो पासिंग रेशो है वो 90% या 100% पे इवन हम लेके जाएं इस्लामाबाद IoT के ये जो प्रोग्राम कम्प्लीशन रेशो है PIEIC की। ठीक, तो जनाब अब तक जितना कुछ हमने IoT 4IR के हवाले से पढ़ा उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर आपको खुदा हाफिज कह के जो है ना कल की तैयारी की जाए। तो जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी जुनेद। सर, ये पूछना था। टेक्स्ट में मैंने लिखा है कि ये कॉन्फ़िग फाइल जो है इसको रन करना है ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद। हाँ जी नहीं, वो कह रहे थे ना कि टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा या कुछ, इसमें कम नहीं, एम्बिग्यूटी थी आपने थोड़ी। टेस्ट स्टार्ट नहीं करना ना, आपने उस पर डबल क्लिक करना है। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस वक्त में लिनक्स पे बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको उसको डेमो नहीं दे सकता, ये जो सेशन हो रहा है लिनक्स के ऊपर हो रहा है। तो आपने करना ये है कि आपने उस पर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने वो ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको रीडायरेक्ट कर देगी PIEIC के पास। तो अच्छा आपके पास ना लॉगिन आ जाएगा कि एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड, तो आपने वही अपना पोर्टल वाला यूजर नेम और पासवर्ड उसमें लिखना है। ठीक है, जब आप वो अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड लिख के ओके करेंगे, साइन इन करेंगे, जो भी उधर बटन का नाम लिखा होगा वो करेंगे, तो आपके सामने ना एक पेज खुल जाएगा, उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप IoT में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप IoT में एनरोल है तो वहां पे लिखा आ रहा होगा IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर कोई ब्लॉकचेन में एनरोल है तो उसके आगे वो जो एक सेक्शन आ रहा होगा उसमें लिखा आ रहा होगा कि जो ब्लॉकचेन या जो भी उनके कोर्स का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच के आपने रुक जाना है कि एक बार आप उसमें लॉगिन हो जाएं, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएं,
लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए और आपके सामने मेन उसका टेस्ट का डैशबोर्ड आ जाए जिसमें आपके सामने आपके प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पहुंच के आपने रुक जाना है। जो ही आप उस प्रोग्राम के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, लाइक आपने IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग लिखा हुआ आ गया उस पर क्लिक किया, तो अब आपके सामने वो शायद उसमें खिड़की से खुल जाएगी, उसमें लिखा आ रहा होगा कि जी क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 3, इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो बस आपने ना लॉग इन जरूर करना है, क्योंकि ये ना हो कि सुबह आप आएँ और वहाँ पर लॉग इन ना हो रहा हो ना, तो ये आपके लिए एक बड़ा एक हैजल क्रिएट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने लॉग इन जरूर कर लेना है यूजर नेम और पासवर्ड पोर्टल वाला डाल के, लॉग इन हो जाए, आगे कोर्स का नाम आ जाए उसमें भी एक बार क्लिक करके देख लें, वहाँ पे वहाँ तक टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, तो बस उसके बाद आप सुकून का सांस लें और फिर सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। वो मेरा भी यही मसला है कि अभी मेरा खुल नहीं रहा, वो ब्राउजर डाउनलोड किया लेकिन वहां से खुल ही नहीं रहा। कॉन्फ़िगर फाइल को जब मैं करती हूँ ना ओपन, तो काफी कुछ खुला हुआ आ जाता है, मतलब जॉब बता रहे हैं वो तो नहीं आ रहा। नहीं तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ब्राउजर खुल जाता नहीं खुलता ना वो, है। हाँ नोटपैड में इतना ज्यादा लिखा हुआ जाता है। नहीं वो आपने नोटपैड में नहीं खोलना, आपने ना उस ब्राउजर इंस्टॉल किया, जी इंस्टॉल किया। आप ना क्या करें कि राइट क्लिक करें उस फाइल के ऊपर, असल में फाइल डाउनलोड हुई होगी ना मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है कि आपने फाइल पहले डाउनलोड की है, उस वक्त तक आपने ब्राउजर इंस्टॉल नहीं किया हुआ था और आपने उस पर डबल क्लिक किया होगा, तो उसने पूछा होगा कि इसको मैं किस प्रोग्राम में खोलूं, तो आपने वहाँ पे नोट पैड सेलेक्ट कर लिया होगा, तो वो पक्का पक्का नोट पैड के साथ में एसोसिएट हो गया। आपने क्या करना है, आपने ब्राउजर इंस्टॉल कर चुके हैं, वेरी वेल, आपने क्या करना है कि आपने राइट क्लिक करना है उस फाइल के ऊपर। तो अभी आपकी विंडोज कौन सी है, ठीक 7 या 10? 10। 10। तो आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसमें आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा, एक वो जो मेन्यू खुलेगा उसमें से ओपन विद के ऊपर जाना है, और ठीक ओपन विद में ना नोट पैड और ये वो ऑलरेडी लिखा आ रहा होगा और नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ चूज एप्लीकेशन, तो आपने चूज एप्लीकेशन में चले जाना है। तो अब आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस के नाम आ रहे होंगे जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुई हुई है, उनमें से कहीं पे नाम आ रहा होगा इस ब्राउजर वाले का भी, जो भी स्मार्ट ब्राउजर और वट एवर इसका नाम है, मुझे जहन में नहीं है, इंटेलिजेंट ब्राउजर या सिक्योर ब्राउजर जो भी इसका नाम था, ठीक है, आपने उस वाली एप्लीकेशन को, सिक्योर ब्राउजर या जो भी इसका नाम है, उस पे क्लिक करके ना नीचे ओके का बटन दबाना है, तो अब ये जो फाइल है ये इस ब्राउजर के थ्रू ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने असल में जब फर्स्ट टाइम, मुझे लग रहा है कि जब आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है उस वक्त तक ब्राउजर इंस्टॉल नहीं होगा, आपने इस पे डबल क्लिक किया है और अब ये पक्की पक्की एसोसिएट हो गई है इसके साथ, ये जो जो भी है ना ये नोटपैड नोट पैड वगैरह उसके साथ एसोसिएट हो गई जिसमें खुल रही है, ठीक है। तो आप ये वाली ट्राई मार के देख लें, अभी हम ऑनलाइन ही है, मैं इतनी देर किसी और से सवाल लेता हूँ, आप इतनी देर ये वाला काम करके देख लें ठीक है तो फिर बता दें अभी ना। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस। नहीं आपका तो ठीक है, आप इतनी देर ट्राई मार के बताएं, मैं किसी और से पूछ सकूँ ना बाकी जो रहा था। ठीक वकास आप आते जाते रहे हो बहुत ज्यादा, क्लियर है, तैयारियां पक्की हैं? सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तैयारी तो अभी कॉलेज की भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मिक्स हो रहे हैं, अब देखो क्या होता है, अच्छा ये भी चलो कर रहा ठीक हूँ वो भी कर रहा हूँ। तो चलिए चलिए फिर एग्जाम ब्राउजर का मेरे पास ही मसला आ रहा यार, ब्राउजर के जो तो मसले हैं ना, वैसे मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मसले आ रहे हैं ना तो आप स्लैक के ऊपर या वो जो आस्क क्वेश्चंस वाला वो प्लेटफॉर्म है ना वहां पे रेस कर दो, ठीक है। अगर कल आप वहां पे जाके ये शोर मचाओगे ना, अब देखो मैं जो यूट्यूब की काम कर रहे हैं ये अनऑफिशियल सपोर्ट है, ये ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए अगर कोई मसला आ रहा है आप उसको मतलब जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि आप इसको राइट क्लिक करके ऐसे करके देखें, लेकिन ना एहतियातन ये क्वेश्चन वहां भी रेस कर दें ताकि अगर ज्यादा लोगों को इशू आ रहा है तो ये ना हो कि कल वो सारे, क्योंकि इन्होंने जो टाइम है उसमें कोई स्लॉट की रखी हुई कि यार बीच में तो 15 मिनट, एक बंदे का अगर 7:45 पे टेस्ट शुरू हो रहा है तो 8:45 पे वो खत्म हो रहा है, तो अगले जो सेशन है उसका टाइम उन्होंने 8:45 ही दिया हुआ, ये भी नहीं किया कि 8:50 दे दें कि बीच में गैप हो के एक सेशन निकले और अगला सेशन स्टार्ट हो रहा, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में कल में भी हेजल हो और उस वक्त आपकी ये चीज़ें ना चल रही हों तो फिर मसला ना बन जाए,
वो कहें जी बस आपका तो एलोकेटेड टाइम इतना ही है, अब आप लोग बाहर निकलें, बेशक आपका 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है और 15 मिनट आपको ये कन्फिगर करते हुए ब्राउजर लग गए, तब भी हमने तो आप निकलें, अब जो आपका टाइम पूरा हो गया तो आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम ना मिले। इसलिए ये सारी सेटिंग आप लोग कर लें, एक बार इसको चलाएं, चलाने के बाद इसमें लॉग इन करें, और लॉग इन करने के बाद एक बार वो मुतमइन हो जाएं कि आपका सही लॉग इन हो गया और आपको इंटरनेट ऑफ थिंग या जो भी आपका मॉड्यूल है वो नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसकी स्क्रीन शॉट लेके ना वहाँ स्लैक के ऊपर जरूर शेयर कर दें, ताकि उसके ऊपर सर के कमेंट्स या सर से रिलेटेड जो लोग हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होंगे उनके कमेंट्स आ जाएं। ठीक है, उनको भी आइडिया हो जाए कि अगर यूजर को कोई यार इस तरह के इश्यूज फेस हो रहे हैं तो कल सुबह वो उसका थोड़ा ख्याल रख लें पेपर के टाइम पे। तो आपका मरियम हुआ वो सिस्टम सेट, चला उसमें? पता नहीं, हो नहीं रहा। अच्छा चले, हम अभी सेशन को खत्म करते हैं, आप इसको अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा पीएम करके। तो अगर सेशन के हवाले से, 4IR के हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज, वरना फिर हम इस सेशन को खत्म करते हैं, देन ये डिस्कशन फिर किसी और मतलब ले जाते हैं। जी सर, एक सवाल है मेरा। जी पूछिए सर, ये जो VUI है इसका फुल फॉर्म क्या है? VUI को क्या हो गया? इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म वॉइस यूजर इंटरफेस। वॉइस यूजर इंटरफेस, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके फाइन जी, आपका इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब और कामरान करे इस इम्तिहान से और अगले आने वाले इम्तिहानों से, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो इन्हें हमें कामयाबी से मतलब इन पे पास ऑन होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी, ढेरों दुआओं के साथ मैं सेशन ख़त्म कर रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट वाली वीडियोस भी जो हम सारी पढ़ चुके हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में फिर जब हम ये मजीद चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो एक दो हफ्ते के गैप के बाद फिर हम ये वाले सेशन जो हमने नई चीज़ें पढ़ी होंगी, लाइक अभी तक हमने फॉर लूप उसमें डिस्कस नहीं किया हुआ, इसके अलावा जो अगली चीज़ें आ रही होंगी इनपुट वगैरह, इनको फिर जब जो हम क्लास में प्रोग्रेस करते चले जाएंगे ना, साथ साथ हम सेशन तक के हर वीक उनको डिस्कस भी कर लिया करेंगे, और फॉर द सेक ऑफ पास हिस्ट्री रिकॉर्ड, या अगर आपको वो चीज़ सेशन मिस हो गया है तो उसके हवाले से फिर आपको वो यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो फिर एक दो दिन के बाद अपलोड हो जाया करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।